बारिश का कहर इन दिनों हर जगह जारी है और इस बारिश ने सरकार के कामकाजों की भी पोल खोल कर रख दी है। ऐसा एक मामला हम बता रहे हैं कांकेर का, जहां कांकेर के नए बस स्टैंड परिसर में बारिश ने वहां हुए कामों की असलियत को बेनकाब कर दिया है। हालत यह है कि वेटिंग रूम में बारिश का पानी घुस रहा है, परिसर का डामरीकरण तक उखड़ गया है, इससे जगह जगह गड्ढे बन गए हैं जिनमें बारिश का पानी हमेशा भरा रहता है। कई बार तो यह होता है कि बाइक चालक और पैदल यात्री इनमें गिरकर घायल भी हो जाते हैं। इसके बावजूद पालिका इन गड्ढों की मरम्मत नहीं करवा रही है। बारिश का मौसम शुरू होने के पहले परिसर में गड्ढे कम थे, लेकिन बार बार बारिश होने के साथ गड्ढों की संख्या और उसकी गहराई में इजाफा होता ही गया। कुछ गड्ढे तो बेहद बड़े हो गए हैं और रात के अंधेरे में दुर्घटना का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। हमने कई बार उसको सुधारने की कोशिश की, लेकिन पानी बरसात की वजह से फिर से हो जाता है, लेकिन उसको हम लोग अभी हमारे ध्यान में उसको अच्छे से करा देंगे, सब पानी वानी रुक गया, ठीक ठाक करा देंगे। हमारे साथ सुशील सलाम जुड़ चुके हैं कांकेर से। सुशील, एक दृश्य दिखाई दे रहा है कि जहां नया परिसर बना है बस स्टैंड का, वहां गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, पालिका की ओर से किस तरह काम किया गया है और क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सामने निकलकर आई इस तरह के माहौल को देखते हुए? जी, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बस स्टैंड कहे जाने वाला कांकेर का नया बस स्टैंड, जो कि इन दिनों बारिश के चलते पूरी तालाब में तब्दील हो चुकी है, जहां पर पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नया बस स्टैंड में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, वही गड्ढों में पानी भरे होने के चलते लगातार लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। गड्ढों की वजह से वहां पर चलने वाले यात्रियों को हो, चाहे वहां पर मोटर गाड़ियां चल रही हैं, उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी नींद अभी तक खुली है नहीं खुली है? क्योंकि इस तरह का माहौल देखने के बाद यकीनन कुछ तो काम होना चाहिए यहाँ पर। जी, जब हमने जिम्मेदार अधिकारी जैसे सीएमओ हो या नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष, उनसे हमने यह चर्चा की कि यहाँ लगातार इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जहाँ लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये बारिश जैसे ही खत्म होती है उसके बाद उसमें मरम्मत कार्य कराई जाएगी। यानी कि हम सुशील इस बात को लेकर इनकार भी नहीं कर सकते कि जिस तरह से जो माहौल दिख रहा है, जो सड़कें पानी में लबालब हो गई है, इसके पीछे इतनी दुर्घटना हो रही है, लेकिन अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या आखिरकार इस परिसर को, जिसको छत्तीसगढ़ का बेस्ट बस स्टैंड माना जाता है, आखिरकार कब ये और वापस मरम्मत के बाद फिर से वैसा बनता है। बहरहाल जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सुशील। बहरहाल एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल इतना ही, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।